हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल भारद्वाज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहली खबर अटल सुरंग को लेकर आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग का आज उद्घाटन किया। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। यह टनल आम लोगों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ रखेगी। पहले घाटी करीब 6 महीने तक बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग को बनाया गया है। दूसरी खबर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आ रही है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपनी IPL टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को भी पीछे छोड़ दिया है। सुरेश रैना ने इस बार निजी कारणों से इस लीग में हिस्सा नहीं लिया और इसी के चलते धोनी को यहां उनसे आगे निकलने का मौका मिल गया। महेंद्र सिंह धोनी IPL की शुरुआत से ही चेन्नई टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जब चेन्नई टीम पर 2 साल का बैन लगा था, उस दौरान धोनी पुणे की टीम के साथ खेलते थे। सुरेश रैना भी IPL की शुरुआत से ही चेन्नई टीम के साथ रहे। वे 2016 से 2017 में गुजरात टीम में थे। तीसरी खबर रोहित शर्मा को लेकर आ रही है। दरअसल रोहित शर्मा ने IPL में इस बार इतिहास रच दिया है। वे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने IPL के 13वें मैच में पंजाब टीम के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने इस मैच में 45 गेंदों पर 70 रन की पारी खेली। इस दौरान 8 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 155.56 का रहा। पंजाब के खिलाफ रोहित शर्मा ने 1 अक्टूबर 2020 को अपनी पारी का पहला चौका जमाया। वैसे ही IPL में 5000 रन पूरा करने में सफल हो गए। विराट कोहली ने 180 मैच में 172 पारियों में 37.19 की औसत से 5430 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131.12 रहा। विराट कोहली ने 36 अर्धशतक और 5 शतक लगाए हैं। दूसरे स्थान पर काबिज सुरेश रैना ने 193 मैच में 179 पारियों में 5368 रन बनाए हैं। दोस्तों, चौथी खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल 2020 में चीन दुनिया का पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट भेजेगा। यह एस्टेरॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। दरअसल एस्टेरॉयड मूल्यवान खनिज संसाधनों से भरे होते हैं। ऐसे में चीन की निगाह सोना चांदी और कोबाल्ट जैसे मूल्यवान संसाधनों पर टिकी हुई है। चीन अंतरिक्ष अनुसंधान में भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए कदम उठा रहा है। ओरिजिन स्पेस बीजिंग में स्थित एक निजी कंपनी है। यह वास्तव में वास्तविक खनन के लिए एक प्रीक्रूसर मिशन है। इसे चीनी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट करेगा। इसे NEO-1 नाम दिया गया है, जो खनन करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। दोस्तों, पांचवी खबर भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। ओडिशा के बालासोर में 30 सितंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। DRDO ने यह परीक्षण अपने PG-10 परियोजना के तहत किया। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण है। इस मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली बार नई वीडियो के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत।